गजाननम्भूतिगणादिशीवितम् कपेत्थेऽम्बुफलिचार्वक्यणम् उमासुतम् शोकविनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम् ब्रह्म तस्मै श्रीगुर्वे नमः। नारायणम् नमस्कृत्यम् नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वतीम् व्यासम् ततो जयमुदीरेत्। सविद्वारनेकु छोड़के आयो तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली। जरा मेरी ओर निहार कथा प्रारंभ होते सुनहु बीर हनुमान राम लखन सिय जानकी। सदा करो कल्याण सियापति राम जय जय राम। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज सरस्वती देवी एवं अपने सद्गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं। गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, राजा पृथु ने देवऋषि नारद जी से पूछा कि भगवान कार्तिक के महीने में दीप दान का क्या महत्व होता है। नारद जी कहते हैं, राजन अब मैं तुम्हें दीप दान का जो महत्व तो समझाता हूं। दीप दान के महत्व के द्वारा भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। दीप दान में इस मातम को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पूर्व समय में चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक राजा था जो भगवान नारायण की सेवा करने वाला नित्य प्रति भगवान विष्णु के मंदिर में जाता, जाकर के मंदिर का सफाई करता, मंदिर में दीपक जलाता, जीवों पर दया करता, इस प्रकार से मंदिर की सेवा करता। वो राजा एक दिन रेवती नदी के किनारे भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के पूजा करने पहुंचा। उसी समय राजा का पुरोहित बिटिहोत्र जयध्वज का ये चित्र देख करके चकित हो गया। उसने राजा से कहा, राजन वेद वेदांगों को जानने वाले तुमको सभी कुछ ज्ञान है, आप भगवान विष्णु के सभी भक्तों में श्रेष्ठ हो। हे राजन हमेशा तुम सभी कर्मों को तपस्या आदि को भी छोड़कर मंदिर की सफाई और मंदिर में दीपक क्यों जलाते हो। राजा ऐसे वचन सुनकर के कहने लगा कि हे गुरुदेव हमारा दीप दान का और मंदिर की सफाई का जो चमत्कार हमने देखा है इस कारण से हम ये कार्य करते हैं, हम गुप्त रहस्य भी है। पुरोहित ने कहा कि राजन जो कुछ भी गुप्त रहस्य है उसे तुम हमसे निवेदन करो, हमें बताओ, हम सुनना चाहते हैं। राजा पुरोहित के वचन सुनकर के हाथ जोड़कर के कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता पूर्व जन्म का मेरा जो चरित्र है उसे ध्यान से सुनिए। सतयुग में स्वारोचिष मन्वंतर में वेद वेदांग का जानने वाला ब्राह्मण था, यज्ञ के अनाधिकारियों को यज्ञ कराता, यहां तक कि वो निषिद्ध कर्म करता, खराब काम करने वाला था। उसने ऐसे कर्म करे कि उसके कर्मों के कारण उसके भाइयों ने उसे छोड़ दिया। जब भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया, दरिद्री दुखी दुर्बल और रोगी हो गया। वो पैसों के लिए व्यापार करता हुआ घूमते घूमते कास श्वास से पीड़ित होकर के नर्मदा नदी के किनारे पहुंच गया और वहां जाकर के उसके प्राण निकल गए। उसके मरते ही उसकी स्त्री
व्यभिचार करने वाली हो गई तो उसको भी उसके भाइयों ने छोड़ दिया। उससे उस स्त्री व्यभिचारिणी स्त्री से उसका जो संतान हुई थी वो दंड केतु नाम का महापापी एक संतान उत्पन्न हुई जो ब्राह्मणों का शत्रु थी। दूसरे की स्त्री पैसे का लोभी, ऐसे अनेक प्रकार से उस संतान ने पाप किए। मृग पशु पक्षियों का शिकार खेलना, उसने शिकारी का रूप धारण कर लिया। इस तरह से पाप में रत ले करके जंगल में रहता और जंगल में रह करके वो दंड केतु पशु पक्षियों का शिकार करता, लोगों को लूटता था। कभी इच्छा नारी दूसरों की स्त्रियों के रमन के लिए वो अनेक प्रकार के उपहार लाकर के उनको फंसाना चाहता। एक दिन की बात है, उस दंड केतु का किसी परिस्त्री से प्रेम हो गया जो वन में भील जाति की थी। दंड केतु जो है महापापी था। दंड केतु उस स्त्री को भोग करने के वास्ते जंगल में एक ऐसा मंदिर था जो खंडा था, उस मंदिर में ले गया। वहां पर जाकर के सबसे पहले उस मंदिर की सफाई करी, उस मंदिर की सफाई करके और अपने कपड़ों की बत्ती बना करके उस मंदिर में दीपक जलाया। वहां पर हमने भोग के वास्ते पहुंचे, परंतु दंड केतु ने भोग नहीं किया। उस रात्रि उस स्त्री के साथ उस मूर्ति के सामने नशे में मतवाला होकर के नृत्य करने लगा। हाथ में डंडा लेकर उस पर बत्ती लपेट करके, इधर बत्ती जला करके मंदिर साफ सफाई करके नृत्य कर रहा था। इधर गांव वालों ने उस जंगल में मंदिर में रोशनी देखी, दीपक जलता देखा, सबको हुआ कि चोर आ गए हैं। गांव वाले आए और गांव वालों ने उस दंड केतु के सिर को काट डाला। मंदिर में ही वहीं पर उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह से ब्राह्मण हम ये चोर लंपिट अनेक प्रकार के पाप करे, परंतु मंदिर में सफाई करी, मंदिर में दीपक जलाया। कार्तिक का महीना था, पूरी रात भगवान के सामने नृत्य करा, वहां कोई पाप नहीं किया, इसलिए भगवान के बैकुंठ लोक को गए। वहां ब्रह्मा के 100 कल्पों तक रहे, ब्रह्मा की आयु के बराबर बैकुंठ में रहे। फिर वहां से स्वर्ग में आए और स्वर्ग से हम चलकर के इस पृथ्वी पर इतने कुलीन अच्छे परिवार में जन्म लिया। उसी पुण्य के प्रभाव से यदवंश में जन्म हुआ। हमने केवल भोग के वास्ते ऐसा किया, जब ऐसा फल प्राप्त हुआ, अगर हम प्रेम से करेंगे तो ना जाने क्या फल प्राप्त होगा। हम इसलिए भक्ति से ये कर्म करते हैं। हमें पिछला जन्म याद है, जो कोई एकांत में कामना रहित होकर के भगवान जगन्नाथ का पूजन करे तो सभी पापों से छूट जाता है। इस प्रकार जयद्वज के वचन सुनकर के बितिहोत्र ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उसी समय राजा से विदा लेकर के चला गया। सूत जी कहते हैं, ऋषिवरों, भगवान नारायण ज्ञान अज्ञान से भी पूजित होकर के मुक्ति प्रदान करते हैं। हमेशा प्राणी के पास में द्रव्य नहीं रहेगा, मृत्यु निकट है, इसलिए धर्म को करने वालों को हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। बंधु लोग अनित्य हैं, चंचल हैं, शरीर की मृत्यु भी निश्चित होती है, इस कारण से भगवान का पूजन करना चाहिए। वृथा गर्व लोग करते हैं, इस शरीर के लिए अहंकार करते हैं, इस शरीर का नाश होता है। करोड़ों जन्मों के पुण्योदय होते हैं, तभी भगवान में सिद्ध और भक्ति होती है। गंगा जी का स्नान, अतिथि पूजन, यज्ञ सब सुलभ है। भगवान विष्णु की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, इसको अवश्य करना चाहिए। मनुष्य का दुर्लभ शरीर पा करके इसी वृथा नाश ना करो। यमराज को अपने समीप देखो, तुम सब लोग संसार सागर से तरने की इच्छा करो। दुर्लभ भगवान की भक्ति रूपी नौका को पकड़ो। जगन्नाथ भगवान का पूजन करो,
भगवान जगन्नाथ की सेवा करो, उसी की द्वारा हमारी मुक्ति हो सकती है, भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हमेशा नारद जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान के मंदिर की सफाई करना, दीपक जलाना, प्राणियों पर दया करना, ये अति श्रेष्ठ होता है। यहां तक कहा गया है, अगर किसी दूसरे के दीपक को जो बुझ गया है व्यक्ति जला देता है, तब भी उसे पुण्य प्राप्त होते हैं, भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। इसकी एक दूसरी कथा और वर्णन करते हैं। ये कथा मनु के वंश रेवत नाम के राजा के पुत्र भद्र बुद्धि होते, भद्र बुद्धि जो है उसका पुत्र तेजस्वी सुदर्शन हुआ, जो बुद्धिमान विद्या कला में निपुण था, उसके समान पृथ्वी पर कोई उस समय चक्रवर्ती राजा नहीं था। सुदर्शन जो है एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया, वन में जाकर के घूमते हुए नर्मदा के किनारे पहुंच गया और वहां जाकर के शिकार खेलने के लिए धनुष बाण हाथ में ले रखे थे। थोड़ी दूर पर नर्मदा के तट पर गया, वहां पर रात्रि बिता दी। प्रातः काल नर्मदा में वो शोभा देखने लगा, उसी समय उसने नर्मदा में स्नान करने के लिए आई हुई एक सुंदर स्त्री को देखा। सुदर्शन जो है उस स्त्री को विस्मय होकर देखने लगा, वो स्त्री भी जो है राजा सुदर्शन को देखने लगी। वो स्त्री गौड़राज की रूपवती मदनालसा नाम की पुत्री थी, सखियों के साथ क्रीड़ा करती नर्मदा में आई थी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे, उसी समय पर वृक्ष की ओट में छिपी हुई मनोनेत्र वाली स्त्री से उसने अपना कुल और पिता का नाम पूछा। उस स्त्री ने सुदर्शन को सब कुछ बता दिया। फिर दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह करके राजा सुदर्शन जो है उसे लेकर के अपने महलों में आ गए। उसका पिता भद्रबुद्धि विषय भोग त्याग करके अपने पुत्र सुदर्शन को राज देकर वन में चला गया। और रानी मदनालसा के साथ में राजा सुदर्शन जो है भगवान विष्णु की भक्ति करता, विष्णु भगवान की पूजा करता, वो भगवान विष्णु की अन्य भक्त थी। राजा सुदर्शन ने घर में ही सोने का मणि युक्त खम्भों का एक सुंदर भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। उसी मंदिर में दोनों विष्णु भगवान का पूजन करते। कार्तिक के महीने में रानी जो हमेशा मंदिर में दीपक जलाती थी। एक दिन राजा सुदर्शन ने रानी मदनालसा को बुलाया, परंतु मदनालसा रानी जो है मंदिर में दीपक जलाने में लगी हुई थी, राजा सुदर्शन के कहने पर नहीं गई। तब राजा सुदर्शन को क्रोध आया और कहा कि तुम्हारे पति भगवान है, तुम हमको छोड़कर के हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके मंदिर में दीपदान करने से क्या होगा। उस समय पर रानी कहने लगी कि तुम सत कहते हैं, स्त्री का पति देवता होता है, परंतु हे स्वामी, दीपदान का जो मैंने महत्व देखा है उसके कारण से मैं इस मंदिर में जो है दीपक दान कर रही हूँ। राजा ने कहा, हे रानी, तुमने दीपदान का क्या महत्व देखा मुझे बताओ, हे भामनी, तुमने क्या महिमा देखी है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, गोदावरी नदी के तट पर एक भगवान विष्णु का मंदिर है, दंडक वन में निर्मल अन्न भक्षण करने वाली एक मूषिका थी। वो कवि ब्रह्म वेद ऋषि कार्तिक के महीने में उस मंदिर में आकर के वेद ब्रह्म ऋषि मंदिर में दीपक दान करते, दीपक जलाते थे। एक दिन ऋषि जो है उस मंदिर में दीपक जलाकर के किसी काम से बाहर चले गए। उस मंदिर में जो दीपक जल रहा था उसकी लौ थोड़ी धीमी पड़ गई, बिल्कुल बुझने वाली थी। मैं उस बत्ती को खाने के लौ से मूसका के रूप में उस दीपक के पास आई। जैसे ही दीपक की बत्ती को उठाया, आगे बढ़ते ही वो बत्ती जोर से जलने लगी। जैसे उस बत्ती को उठाया, क्योंकि बुझने वाली थी, कम हो गई थी, और दीपक की बत्ती उठाते ही जोर से जल गई, तो इससे उस मूसका का मुख जल गया, उसी मंदिर में तड़पने लगी।
अब उसका मुख जल गया, वो कुछ खा पी नहीं सकती थी। उस मूसका ने कई दिन तक उस मंदिर में भूखे रह करके भगवान के सामने तड़प करके अपने प्राण त्याग दिए। उसी मंदिर में प्राण निकल गए। प्राण निकलने पर वो मूसका स्वर्ग को गई और वही मूसका, हे राजन, मैं रानी मदनालसा बनी हूं। मैंने पिछले जन्म में लोभ से, केवल खाने के लोभ से दूसरी का भूजता हुआ दीपक जल गया। इस कारण से मुझे इतना पुण्य प्राप्त हुआ। अगर मैं अखंड दीपक कार्तिक के महीने में श्रद्धा भाव से करूंगी तो ना जाने में मुक्त हो जाऊंगी। मेरा कितना अनंत पुण्य होगा। हे राजन, हमारा आग्रह है आप भी दीपक दान करें। राजा सुदर्शन ने रानी के वचन सुन करके रानी के साथ दीपक दान करा, मंदिरों को दीपकों से सजाया। राजा रानी दोनों कार्तिक के महीने में नियम से इस प्रकार से दीपक दान करने लगे। भगवान के मंदिर की सफाई करना, दीपक जलाना, ये सब प्रारंभ किया। इसलिए भक्तों, भगवान के मंदिर में दीपक जलाना सबसे बड़ा श्रेष्ठ महत्व होता है। मंदिर में सफाई स्वयं करो, ये मत सोचो कि मंदिर में पंडित जी रखे हुए हैं या मंदिर में कोई सेवादार है वो सफाई करेगा। कार्तिक के महीने, अगर आप हमेशा नहीं तो कार्तिक के महीने का नियम ले लो और कार्तिक के महीने में मंदिर में जाकर की सफाई अवश्य करो। देखना आपका सहज में उद्धार हो जाएगा। कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। दीप दान में ना खर्च ज्यादा होता है और ना ही आपका परिश्रम ज्यादा होता है। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। आज के दिन आपको जो है परमल नहीं खाने हैं और कल के दिन बेर नहीं खाने हैं। कथा सदा होती ही रहे, सुनहु बीरे हनुमान, राम लखन सिय जान की, सदा करो कल्याण, सिया पते राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मातम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।